दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत। आज हम चर्चा करेंगे वर्ण मुद्रा के बारे में। वर्ण मुद्रा हमारे शरीर में जल को नियंत्रित करने वाली मुद्रा है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। ये पंच महाभूत हैं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। हमारी पांच उंगलियां पंच तत्वों की प्रतीक हैं। सबसे छोटी उंगली जल तत्व की प्रतीक है और जल तत्व की मात्रा हमारे शरीर में 72% है। अनामिका, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, ये पृथ्वी तत्व की प्रतीक है और पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12% है। सबसे बड़ी उंगली मध्यमा आकाश तत्व की प्रतीक है। आकाश हमारे शरीर में 6% है और ये तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ वाली उंगली वायु तत्व की प्रतीक है और वायु तत्व की मात्रा हमारे शरीर में 6% है। अंगुष्ठा तेज तत्व का प्रतीक है, अग्नि तत्व का प्रतीक है और अग्नि तत्व है 4%। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल वर्ण मुद्रा की। मुद्रा का अर्थ है अपने शरीर को विशेष भाव भंगिमा में स्थिर कर देना, मुद्रा कहलाता है। वर्ण मुद्रा हमारे शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करने वाली मुद्रा है। यदि हमारे शरीर में जल तत्व की कमी है तो हमें वर्ण मुद्रा करनी चाहिए। हमारी त्वचा के रूखापन को, हमारे शरीर में जल की कमी को वर्ण मुद्रा पूरा करती है। त्वचा में खुश्की आ जाए, त्वचा की चमक कम हो जाए तो हमें वर्ण मुद्रा करनी चाहिए। कई बार आंखों में रूखापन आ जाता है, चेहरे पर रूखापन आ जाता है तो त्वचा पर ग्लो लाने के लिए वर्ण मुद्रा करें। कई बार दस्त लग जाते हैं, पसीना बहुत आता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए हमें वर्ण मुद्रा करनी चाहिए। पानी की कमी से होने वाले समस्त रोगों का इलाज है वर्ण मुद्रा। वर्ण मुद्रा कैसे करें? तो वर्ण मुद्रा के लिए सबसे अच्छा है कि हम समतल स्थान पर दरी या चटाई बिछा लें और उस पर कोई भी आसन लगाएं, पद्मासन लगाएं, सुखासन लगाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और वर्ण मुद्रा लगाएं। सबसे छोटी उंगली के टिप्स को अंगूठे के टिप्स से मिलाएं, इस प्रकार से दोनों हाथों की, बाकी तीन उंगलियां सीधी रहे, उंगलियां इस प्रकार से झुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी रहे। और ये टिप्स मिलाएं, इस तरह से भी नहीं मिलाएं टिप्स को। ये मुद्रा तो है लेकिन प्रभावशाली मुद्रा नहीं है, तो बिल्कुल टिप्स को मिलाएं इस प्रकार से। और इस प्रकार से कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, नखून के ऊपर अंगूठे को रख लेते हैं, मुद्रा तो बन जाती है लेकिन मुद्रा प्रभावशाली नहीं होती, इसलिए नखून के ऊपर ना रखें, टिप्स को मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। और अपने हथेलियों को ऊपर की ओर करके, जंघों के ऊपर रख के हथेली को ऊपर की ओर करें, इस प्रकार से ना झुकाएं क्योंकि ये ठीक नहीं है। यही प्रभावशाली मुद्रा है। कई बार हम जब मुद्रा लगाते हैं तो उंगलियों में तनाव होता है और तनाव की वजह से या तो हम उंगलियों को मोड़ लेते हैं या हमारे हाथ इस प्रकार से झुक जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। हमको प्रयासपूर्वक इस प्रकार से ही रखना है, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। अब कितनी देर करें,
कम से कम 15 मिनट तक ये मुद्रा लगाएं और अधिक से अधिक 40 मिनट या 45 मिनट। एक आसन में ये मुद्रा हम 45 मिनट तक नहीं लगा सकते, तो 10-10 मिनट तीन बार में लगा सकते हैं। आसन भी बदल सकते हैं क्योंकि एक आसन में बैठे रहने से कई बार पैर सुन्न हो जाते हैं, तो हम आसन भी चेंज कर सकते हैं। ये मुद्रा वे लोग ना लगाएं जिनको जुखाम, नजला, खांसी या कफ अधिक होता है। ये सावधानी इसमें रखें। बाकी सभी ये मुद्रा लगा सकते हैं। हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा सबसे अधिक है, तो हमारे शरीर में जल शुद्ध हो और पर्याप्त मात्रा में हो तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।